जीत किसकी होगी? छह गेंदे जीतने के लिए चाहिए 18 रन और यहां से गेंदबाजी का भविष्य सौंपा ना बल्कि विष्णुशेट ठाकुर स्मृति चेषक का। ये कप आपके हाथों में सौंपा है, किसके हाथों में है? वो है भाग्य सूर्ति नामचीन गेंदबाज, अनुभव है इस खिलाड़ी के पास। लेकिन इससे पहले विक्रांत पाटिल की बात करेंगे तो इन्होंने चार गेंदों का सामना किया, दो चौके और एक छक्कों की मदद से अपनी टीम के लिए 15 रनों का शानदार योगदान देते हुए। छह गेंदे बची है, 18 रनों की जरूरत। खुदा ने कहा अपने गमों को यूं नुमाइश ना कर, अपने नसीब को तू आजमाइश ना कर, जो तेरा है तेरे पास खुद आएगा, हर रोज उसे पाने की ख्वाहिश ना कर। क्या होगा इस मुकाबले में, किसकी ख्वाहिश पूरी होगी? छह गेंदे 18 की जरूरत है। अब फील्डिंग का स्तर, गेंदबाजी का स्तर क्या होगा वाघमारे टीम की ओर से? पहली गेंद फुल टॉस पे की थी, लॉन्ग मिड विकेट सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर, पिक 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 विकेट। अब रन और गेंदों के बीच में फासला, अब मुकाबले में पूरी तरह से दबाव है, नियंत्रित परिस्थिति के ऊपर काबू किया इस खिलाड़ी ने और परिस्थिति के अनुसार खेल क्या होता है आखिरकार इस मुकाबले में दिखाते हुए। पांच गेंदे 12 की जरूरत ये मुकाबला जीतने के लिए। अक्सर कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, अरे पंखों से कुछ नहीं होता जिनके हौसलों में उड़ान होती है। और ये देखिए नई ऊंचान उड़ा भरी इस खिलाड़ी ने। अब थोड़ा सा दबाव केडीएच बागेलवाड़ा 11 टीम के गेंदबाज के ऊपर, दिल थाम कर दर्शक इस मैच का आनंद लूट रहे, जानते हैं यहां से इस मुकाबले में जीतेंगे किसी एक टीम जीतेगी सुपर फोर में क्वालिफाई होगे और निश्चित तौर पर तगड़ा परफॉर्मेंस होता हुआ नामचीन बल्लेबाज विक्रांत पाटिल। पांच गेंदे 12 की दूरी नवीन पनवेल सिटी इनकी ओर से, क्रॉस बैटर खेलने की कोशिश, मिडल स्टंप पर पाए गए और ये देखिए वागेलवाड़ा 11 टीम अब मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत करने की ताकत दिखा रहा है। चार गेंदे 12 की जरूरत, विकेट नंबर गिरता हुआ छठा, छह विकेट के नुकसान के ऊपर टीम की रन संख्या पहुंचती हुई इस वक्त 61 रन। अब चार गेंदे चाहिए, दो बड़े छक्के जनमन 11 कंप्यूटर टीम के लिए। अब कौन सा ऐसा खिलाड़ी होगा जो एक बड़े स्ट्रोक लगाने में कामयाबी दिला सकते हैं? काफी दर्शक तादाद में है, उन सभी दर्शकों को भी यही लग रहा होगा कि मुकाबला 50-50 बैलेंस है, ना वागेलवाड़ा टीम जीती है ना कंप्यूटर टीम इस मैदान के ऊपर मुकाबला हारी है, लेकिन मुकाबला दोनों भी टीमों के पक्ष में अभी तक काफी तगड़ा होता हुआ। लोग कहते वह कैसी सपने चाहिए और उन्हें क्या मालूम कि कल चांद ने भी रात के रोबी रात के साथ रोके रात बिताई है, तो यहां से किसके किसके आंसू में आंखों में आंसू आएंगे ये भी बड़ा सवाल बन सकता है, क्योंकि हर एक टीम चाहती है विष्णुशेट ठाकुर सुधीशो को ट्रॉफी को चूमने का सपना साकार करना चाहती है। क्या यह सपना साकार किसी एक टीम को करना है, क्योंकि पहले दो टीमों ने अपना नाम दर्ज किया है, गावदीवी 11 वाकड़ी और अंबिवली टीम ने अपनी जीत दर्ज की है और इस दोनों टीमों में से कौन सी एक टीम होगी जो सुपर फोर में क्वालिफाई होगी? स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज के बल्लेबाज है, काफी आक्रामक इरादे के साथ मैदान में आए, फ्लिक किया ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी गेंद के नीचे, थोड़े से फंबल हुए लेकिन जब तक उठाए तब तक दो रन मुकम्मल किए और इसी दो रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 63 रनों के ऊपर। अब बची हुई तीन गेंदे 10 रनों की आवश्यकता। इस तरीके से कहते हैं कि दर्शक इतने मुकाबले में गर्म है, अक्सर समीर सोमने भी कहते हैं कि चाय से ज्यादा किटली गर्म नजर आ रही है इस मैदान में। क्या होगा इस मुकाबले में? तीन गेंदे 10 की जरूरत, एक छक्का चाहिए यह संजीवनी प्रदान करने वाला जनमानना कंबोडिया टीम के लिए। फुल टॉस गेंद थी, खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन के ऊपर से लेकिन खुद दोनों भाई गेंद के नीचे आएंगे, तब तक खिलाड़ी ने चुरा लिए। यहां से दो रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 65 रनों के ऊपर और टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 65 रन। अब रन और गेंदों के बीच में फासला, दो गेंदे 8 रनों की जरूरत। इस गेंद के ऊपर बाबूशाह सिंगल आना जरूरी है, इस गेंद के ऊपर डबल आना भी जरूरी है, लेकिन इस गेंद के ऊपर कुछ ना कुछ आना यह काम बड़े टीम के लिए जरूरी है। ठंड उनको लगेगी जिनके कर्मों में दाग है, यूं तो ऐसे खिलाड़ी है जिनके मुंह में भी आग है, सुन मेरे भाई इनसे पंगा और भरी महफिल में दंगा दोनों खतरनाक है, भारी पड़ेगा मेरे दोस्त। चिल भी तुम हो, तलाश भी तुम हो, उम्मीद भी तुम हो, आस भी तुम हो, अब जब एहसास तुम हो तो जीत भी कांबड़े टीम की तुम हो और जीत भी वागेलवाड़ा टीम की तुम हो। क्या गेंदबाज इस मैदान के ऊपर अपनी नुमाइश पूरी कर पाएंगे, इस मैदान के ऊपर बल्लेबाज अपनी नुमाइश पूरी कर पाएगा ये भी सवाल बनेगा। दो गेंदे 8 की जरूरत, ये देखिए लॉफ तो जरूर किया है साइड स्क्रीन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद सीमा पार 6 रनों के लिए, क्या जबरदस्त वापसी होती हुई इस वक्त कंबोडिया 11 टीम की ओर से। अब टीम की रन संख्या पहुंचती हुई
71 रनों के ऊपर, रन और गेंदों के बीच में फासला, एक गेंद बची है और दो रनों की आवश्यकता। क्या फिर से एक बार यह मुकाबला सुपर ओवर के आधार पर आएगा? क्या मुकाबला कांबड़ी टीम जीत पाएगी? अब दिल की धड़कने पूरी तरह से तेज होती हुई, दर्शकों की मन क्यों बहका रहे बहका, क्योंकि इस दोपहर के सत्र में मुकाबला बहका कर दिया इस खिलाड़ी ने और पूरी तरह से बेजान वापसी होती हुई जी अनुमान 11 कांबड़ी टीम की ओर से। बिना उम्मीद के जीना जीना छोड़ने के समान है, जिंदगी का हर पल कुछ ना कुछ सिखाता है, कार्य ही सफलता की बुनियाद है। मुस्कुराकर देखो तो सारा जहां रंगीन है, वरना भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला ही दिखाई देता है। एक गेंद दो रनों की जरूरत, अब फील्डिंग अटैकिंग होगी, क्या फील्डिंग का स्तर क्या होगा इस मैदान में इस वक्त वागलवाड़ा 11 टीम की ओर से। काफी दबाव है गेंदबाज के ऊपर, दबाव है बल्लेबाज के ऊपर, क्योंकि अक्सर कहते हैं कंचन पालकर कि जब एक गेंद में छह होते हैं तो दबाव नहीं रहता बल्लेबाज के ऊपर, जब एक गेंद में एक दो रन होते हैं तो मैं कहूंगा 100% दबाव होता है। कांबड़ी टीम जानती है तिरंगा धुंधले के मैदान के ऊपर उन्होंने 11 गेंदों में 39 रन चेस किए थे, लेकिन एक रन के लिए टीम हारी थी, ये दबाव होता है। लेकिन फिर भी ये मुकाबला उसी तगार पर चलता हुआ, जीतने के लिए एक गेंद दो रनों की जरूरत, यदि मुकाबला बराबरी पर छूटता है तो सुपर ओवर का आधार बिल्कुल लिया जाएगा। एक सुपर ओवर पिछला मुकाबला हमने देखा था टाइगर बनाम गावदेवी अंबेली के बीच, सुपर ओवर के ऊपर खेला गया था, तो दर्शकों की तादाद मेहमानों की तादाद हमारे अतिथि मंच पर नजर आती हुई, क्या चार चांद लगते हुए इस टूर्नामेंट के लिए, रायगढ़ की सबसे दिग्गज टूर्नामेंट स्वर्गीय विष्णुशेट ठाकुर स्मृति चषक का यह सुहाना सफर चलता हुआ। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में, अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कुछ अच्छा लिखा है तेरा तकदीर में। एक गेंद दो रनों की जरूरत है। दोस्तों ये मुकाबला आपको पसंद आया होगा तो स्वर्गीय विष्णु ठाकुर की ये जीत है, जोरदार तालियां इस आखिरी गेंद के लिए। एक गेंद दो रनों की जरूरत, भागेश के हाथ में भविष्य है, बल्लेबाज की बात करेंगे तो गुणवंत के हाथों में इस वक्त गुणवत्ता सिद्ध करनी होगी, जोरदार तालियां, एक गेंद दो की जरूरत। ये देखिए क्या कमाल का स्ट्रोक खेला है, एक रन मुकम्मल दूसरे की कोशिश और यहां का मोटा 11 टीम गोस टू द सुपर फोर। क्या कमाल की क्रिकेट खेली है कांबोटा 11 टीम ने और तारीफ करनी होगी इस खिलाड़ी की, फुल टॉस गेंद की फ्लिक किया था इस गेंद को और पूरी तरह से चतुराई के साथ इस मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत की और शानदार जीत हासिल की और पहली इस सुपर एट की जीत सुपर फोर।